डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग हो रहे हैं अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि चैप्टर नंबर 6 को अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक के पूरी तरीके से अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है और उसको कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है, जरा इस पे हम लोग विचार करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y बराबर x³ - 11x + 5। देखो भाई, सवाल क्या बोल रहा है, एक कर्व है 9 नंबर क्वेश्चन में, और इस 9 में जो कर्व है, कर्व का मतलब मुड़ा हुआ रास्ता, इसका इक्वेशन दिया है क्या, x³ - 11x + 5। ठीक है, एट विच द टेंजेंट इज y बराबर x - 11। अब बोला जा रहा है क्या कि इस पर एक टेंजेंट खींचा जाता है। अब टेंजेंट खींचा जाता है का मतलब ये हुआ कि ऐसे कुछ टेंजेंट खींचा जा रहा होगा, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो कितना है, तो y बराबर x माइनस 11। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि यहां से पॉइंट ज्ञात करो। पॉइंट ज्ञात करो मतलब कि ये वाला पॉइंट निकालना है कि ये पॉइंट क्या होगा। देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बात कि अगर कोई कर्व का इक्वेशन दिया रहता है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप लिखेगा यहां पे, चूंकि y इज इक्वल टू कितना, x³ - 11x + 5। ये क्या दिया है, तो कर्व का इक्वेशन, कर्व का मुड़ा हुआ रास्ता का समीकरण। तो जब y का वैल्यू देते हैं, दिया हुआ होता है, तो देन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं भाई, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं, क्योंकि फार्मूला याद है ना, स्लोप ऑफ डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है dy/dx। तो यहां पे हम लोग क्या किए, इस स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy/dx कर दिए, और dy का वैल्यू कितना भाई, x³ - 11x + 5 बटा में कितना, dx। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, x³ का करेंगे तो 3x² - 11+0। तो कुल मिलाकर इसका जो स्लोप आया, किसका स्लोप, टेंजेंट का, यानी कि इसका, इस टेंजेंट का m का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 3x² - 11। ठीक है, अब जब इसका आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जरा देखते हैं आगे। चूंकि अभी हमें टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, फिर लिखेंगे अगेन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, का इक्वेशन क्या दिया है भाई, तो y बराबर x - 11, ये दिया हुआ है। ठीक है, जब किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ होता है, तो हम उसका बताए हुए हैं कि किसी भी लाइन का जब हमें इक्वेशन दिया हुआ रहता है, तब हम लोग उसका टेंजेंट स्लोप कैसे निकालते हैं, तो x का गुणांक देखा जाता है कि x का गुणांक जितना जितना होगा वो हो जाएगा उस लाइन का स्लोप। पढ़े है ना,
ये समीकरण दिया है, तो इसलिए सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इस समीकरण से निकालेंगे तो कितना आएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इस समीकरण से सिर्फ वन आएगा, क्योंकि एक्स का गुणांक क्या है, वन है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया वन। तो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया वन, तो इसी को ना स्लोप ऑफ टेंजेंट को एम से सूचित करते हैं, इसका वैल्यू वन हो गया, और हम लोग इसके पहले जब स्लोप निकाले उसी टेंजेंट का तो कितना आ रहा था, 3x² - 11 बराबर वन। एम का मान पहले वाला जो अभी अभी डिफरेंशिएशन करके निकाले वो भी तो एम का मान हुआ ना, एम का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसको हम लोग उधर करेंगे तो 3x² बराबर -11 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। इसलिए यहां पे अगर बात किया जाए तो हम लोगों को कितना हो रहा है, x² बराबर 12/3 और सॉरी हाँ 3 × 12, इसलिए x बराबर 4 का वर्गमूल यानी कि x का वैल्यू 2। ठीक है, अब जब भी पॉइंट निकालना होता है तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का मान कितना होगा, है ना, तो वो हो जाएगा हम लोगों का पॉइंट। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो हमें y का वैल्यू कितना होगा, आप चाहे तो इस समीकरण से भी निकाल सकते हैं, इस समीकरण से भी निकाल सकते हैं, आपको जो समीकरण से चाहिए होता है आप निकाल लीजिए। तो अब लिखिएगा नाउ एट x बराबर 1, x के मान कितना रखना, सॉरी 2 रखना है ना, x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो आप इस समीकरण में भी रख सकते हो, तो y का मान कितना आएगा, तो y बराबर है x³ - 11x + 5। तो x के जगह पे 2 रखना है तो 2³ - 11 × 2 + 5, तो 2³ = 8 - 22 + 5, तो 8 × 5 = 13 - 22, इसलिए हो जाएगा -9। आप चाहें तो इस समीकरण से भी निकाल सकते हैं y का मान, y बराबर x - 11 है, आप इस समीकरण से भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो हम लोगों को पॉइंट आया, सो पॉइंट कितना हो गया, तो x के जगह पे कितना रख रहे थे 2, तो कितना y का मान आ रहा था -9। तो इस तरीके से हम लोगों का जो पॉइंट आ गया, यहां 2 आ गया और यहां -9 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और 10 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जरा इसको हम लोग देखें। ठीक है, चलिए, तो अगर 10th सवाल का बात करें, सवाल नंबर 10, तो हम पहले आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास किताब है, बुक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, सब चीज वही है, सिर्फ आपको क्या अंतर है, तो y का मान अलग दिया है और स्लोप का मान अलग दिया है, यानी कि सब चीजें वही है, सिर्फ अंतर क्या पड़ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अंतर जो पड़ रहा है वो अंतर ये पड़ रहा है कि हमें इक्वेशन यानी कि समीकरण अलग अलग दिया हुआ है। जैसे बात करें 10th का, क्योंकि देखिए अच्छे से समझिएगा 10 नंबर सवाल, क्योंकि 10 नंबर जब हम बता देंगे तो 11 नहीं बताएंगे, 12 नहीं बताएंगे, क्योंकि ये दोनों सवाल 10 पे ही बनेगा। ठीक है, इसलिए 10 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y बराबर 1/(x-1)। जरा बात को समझिएगा, यहां पे क्या बोला कि एक स्लोप है भाई, सॉरी कर्व है, एक कोई कर्व बना लिया, कर्व का मतलब मुड़ा हुआ रास्ता, मुड़ा हुआ रास्ता कुछ इस तरीके से है,
इस मुड़ा हुआ रास्ता का जो समीकरण है y का वैल्यू दिया है 1/x-1 है। उसके बाद लिखा है x does not equal 1, तो इसका कोई ज्यादा मतलब है नहीं, ठीक है, सिर्फ इतना ही लेना होता है। फिर क्या बोल रहे हैं, इस पर एक लाइन है, यानी उस लाइन का नाम है टेंजेंट। उस लाइन का क्या नाम है? टेंजेंट नाम है, ठीक है। अब उस नाम, उसका नाम चूंकि टेंजेंट है, तो टेंजेंट का जो स्लोप दिया है हमें -1 दिया है। यानी फिगर अच्छा से देखिएगा, ये कर्व है और इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, यहां से इसका पॉइंट है, यानी कि एक टच करते हुए जा रहा था, ठीक है। तो ये एक टेंजेंट है और टेंजेंट का हमें स्लोप दिया है, यानी ये जो टेंजेंट है ना स्पर्श रेखा, इसका स्लोप दे दिया है कितना, तो -1, यानी कि इसका एम का जो वैल्यू दे दिया है वो -1 दे दिया है, ठीक है, एम का वैल्यू -1। अब आप ये समझो कि ये जो टेंजेंट है इसका हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, और इक्वेशन कब निकलेगा, जब ये वाला पॉइंट x1 और y1 हमें पता चल जाएगा, x1 पता चलेगा और y1 पता चलेगा, तभी ना हमें क्या निकालना है भाई, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि इस टेंजेंट का इक्वेशन समीकरण निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, x-x1 m(y-y1)। तो एक्स वाई तो छोड़ दो, लेकिन x1 y1 तो चाहिए, x1 y1 तो चाहिए, समझ रहे हो ना बात। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल वे में, कि इसका जो स्लोप दिया है, स्लोप किसका, टेंजेंट का, कितना दिया है -1। तो अगर हमको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ होता है y का मान, तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर भी तो स्लोप आएगा टेंजेंट का, यानी कि यहां पे चूंकि गिवन है y का वैल्यू 1/x-1, इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला dy/dx। अब dy/dx तो है, लेकिन इधर स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग m नहीं लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो निकालते हैं डिफरेंशिएशन करके। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को m से दिखा दिया, और यहां पे dy/dx का मतलब 1/x-1 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब m का वैल्यू इधर कितना दे दिया सवाल में, -1, m का वैल्यू -1, तो यहां हो जाएगा -1 -1। अब इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये हो गया ऊपर वाला u का मान और नीचे वाला हो गया v का मान। तो u बाय v का फार्मूला देखते हैं ना हम लोग, कि v स्क्वायर होता है, यानी x-1 का स्क्वायर, फिर v को बाहर निकालो, v को बाहर निकाल दिया, u को डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन, माइनस 1 को इस बार बाहर निकालो, भी का डिफरेंशिएशन, x-1 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, तो हम लोग ऊपर से मिटाते हैं, सिचुएशंस कैसा है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी तक के हम लोगों को कुछ इस तरीके से प्राप्त हुआ है, इधर तो स्लोप दिया हुआ है सवाल में -1, तो इधर लिख देंगे -1 = अच्छा यहां पे देखो 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, और 0 को किसी संख्या से, नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना होता है 0 माइनस 1 का 1 ही रहेगा, लेकिन x का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो ये हो गया -1, और नीचे बनेगा x-1 का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे यहां से कि -1 को जब क्रॉस, या फिर ऐसा करो -1 इधर है और इधर है, तो दोनों तरफ तो कैंसिल आउट हो गया,
तो इसको अगर इधर लाएंगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर वन बनेगा। अब जब हम इसको देखो भाई, यहां पे तो वन है, अगर मान लिया कि ये माइनस वन या माइनस टू रहता तो इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। जैसे यहां पे x माइनस वन का होल स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर जब टूटेगा तो इधर किस में आएगा, रूट में आएगा वन। अगर मान लिया यहां पे माइनस दो या माइनस तीन रहता तब यहां पे माइनस तीन का रूट तो कभी नहीं निकलता है, माइनस तीन का रूट तो नहीं निकलता है। इसलिए लिखिएगा, अगर मान लिया कि ऐसा सिचुएशन आएगा और कौन सा नंबर में आएगा, तो आपका 11 नंबर में ऐसा ही आएगा, इधर स्क्वायर रहेगा और इधर माइनस में रहेगा। तो जब इधर माइनस में रहेगा तो आप इसको रूट में कीजिएगा, तो रूट वाला कभी भी माइनस तीन का रूट माइनस में कभी रूट नहीं होता है, ऐसा निकलता ही नहीं है, ऐसा मान होता ही नहीं है। तो जब ऐसा मान नहीं होता है तो लिखिएगा इक्वेशन आर नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं है। आपका 11 नंबर में ऐसा ही माइनस में कुछ आएगा, और माइनस में दो रहे चाहे माइनस में कोई भी नंबर रहे, हमें माइनस का रूट नहीं निकलता है, इसलिए आप 11 नंबर में ऐसा ही करेंगे। फिलहाल हम लोगों का तो आ गया है प्लस में वन, इधर में माइनस वन था और यहां में माइनस वन आया, तो माइनस माइनस दो तरफ कट गया और एक्स माइनस वन का स्क्वायर इधर गया तो इधर वन रहा, और इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट इधर चढ़ जाएगा, तो इसलिए एक्स माइनस वन बराबर कितना निकला, वन। अब इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्स बराबर कितना, टू। जब एक्स बराबर टू निकल गया, यही हो जाता है हम लोग एक्स वन का मान दो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल देंगे यहां एक्स वन के जगह पे कितना हो गया भाई, टू। अब क्या करना है, एट एक्स बराबर आपको दो रख के वाई का मान निकालना है, एक्स बराबर दो रख के, यानी कि इसको सॉल्यूशन करते करते हम लोगों को जो एक्स वन मिला यानी कि x का वैल्यू निकला वो हो जाता है x1, क्योंकि इक्वेशन निकालना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एट x बराबर दो यानी कि दो पे हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि y का वैल्यू 1 बटा x माइनस वन दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ x के जगह पे कितना रखेंगे, दो, तो यहां मिलेगा 1 बटा दो माइनस एक, यानी 1 बटा वन का मतलब वन। इस तरीके से हम देख पा रहे होंगे कि y का भी वैल्यू कितना आ गया, यहां पर लिखेंगे चूंकि y का वैल्यू हो गया वन, इसलिए y1 के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, वन, यानी कि यहां हो गया वन, ठीक है। तो x का, x1 का वैल्यू हो गया टू और y1 का वैल्यू हो गया वन। तो सबसे पहले आपको दो पॉइंट निकालना है, जब दो पॉइंट निकल गया तो अब हम लोग फार्मूला, सवाल में क्या बोल रहा था, इक्वेशन ऑफ लाइन जो टेंजेंट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला जरा देखते हैं कि क्या होता है। तो अब लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है भाई, तो इसका फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हम क्या करेंगे यहां पे, y को तो y छोड़ देंगे, और ये y1 का जो पॉइंट आया है तो y1 का वैल्यू कितना है, वन, तो वन रख दिया, इज इक्वल टू एम वन, एम ओ, एम का वैल्यू कितना लिखे, m का वैल्यू माइनस वन, तो यहां पे माइनस वन, ठीक है। तो x माइनस एक्स वन, तो x के जगह पे टू माइनस एक्स वन, सॉरी सॉरी सॉरी, x की जगह पे x छोड़ देना है, इस x1 का मान रखना है टू। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां आया y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन को x से गुना करेंगे माइनस एक्स, और माइनस वन को माइनस टू से गुना करेंगे प्लस टू, ठीक है। अब यहां पे ये माइनस एक्स है, अगर इधर आएगा तो y माइनस वन, ये तो पहले से ही है, इसको भी इधर लाइए तो प्लस में x, इसको भी इधर लाइए तो माइनस में टू, इक्वल टू कितना, जीरो। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि y प्लस एक्स, y प्लस एक्स
माइनस वन और माइनस टू माइनस थ्री बराबर में जीरो। ये हम लोगों का एक समीकरण आ गया जो किसका आंसर होगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। ठीक है, इक्वेशन का हमें ये टेंजेंट बता दिया, यानी कि टेंजेंट का इक्वेशन। अच्छा, अब y प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री आ तो गया, लेकिन जब आप आंसर देख रहे होंगे तो ऐसा आंसर दो ठो समीकरण में दिया है। तो देखिए, एक गलती हम लोग किए हैं, कहां गलती किए हैं वो समझिए। अभी हम लोग क्या लिखे कि x माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर, इधर बताते हैं, x माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर वन था, तो इधर जब स्क्वायर टूटा तो रूट अंडर जो हुआ यहां पे वन, तो ये प्लस माइनस में ले लिया है, यानी कि x माइनस टू बराबर कितना, प्लस माइनस वन। तो क्यों, क्योंकि जो रूट होता है ना वो प्लस माइनस में टूटता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्लस लेकर बनाए हैं। एक और इसका समीकरण निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, अब की बार में माइनस वन ले लीजिएगा, तो यहां x का वैल्यू क्या होगा, उधर माइनस टू है उधर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहां से कितना आएगा, वन। जब x का वैल्यू वन आ जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, इस इक्वेशन से चल के फिर y का मान निकालना है, तो आपको दूसरा वैल्यू, ये तो होगा ही होगा, ये तो निकाल, इस पर तो निकाल लिए हम लोग, फिर एक और x1 y1 का वैल्यू निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात, यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी स्क्वायर रूट जब उधर जाता है तो रूट में जो होता है प्लस माइनस में होता है, तो हम जो बनाए हैं सिर्फ वो प्लस पे बनाए हैं, यानी कि जो आंसर दिया है ऐसा ऐसा दो ठो समीकरण आंसर दिया है इसका। एक आंसर और इक्वेशन आ सकता है, एक समीकरण और आएगा कब, जब ये वाला हम, तो जैसे मान लिया कि यहां पे हम रूट किए रूट वन, तो रूट वन का तो सिर्फ वन लिख दिए, यानी कि प्लस वन वाला ने लिए, हालांकि इसका जो रूट होता है ना प्लस माइनस में निकलता है। जैसे रूट चार है ना, तो रूट चार का वर्गमूल कितना, तो प्लस में दू माइनस में दू, इसलिए इसको प्लस माइनस दू लिखा जाता है। ठीक है, तो उस तरह का हमें ध्यान में रहा नहीं कि वहां पे हम प्लस माइनस कर दें, तो हम सिर्फ प्लस लेकर बनाए हैं। एक और आंसर मैच करने के लिए आप फिर से चलिएगा पुनः, यानी कि अगेन, अगेन में लिखिएगा कि चूंकि x माइनस टू का स्क्वायर बराबर था वन, तो x माइनस टू बराबर रूट अंडर वन, वन का मतलब प्लस माइनस वन, तो हम प्लस वन यूज कर लिए हैं पहले ही, इसलिए x माइनस टू बराबर आप माइनस वन यूज कीजिएगा, तो x बराबर आ जाएगा उधर वन, तो x बराबर वन आ जाएगा, तो आप पुनः इस्तेमाल कीजिएगा ये वाला, चूंकि y बराबर x माइनस वन, तो इस तरीके से y का मान कितना आ जाएगा, x की जगह पे वन रखिएगा, सॉरी लग रहा है गलती कहीं तो कर रहे हैं, माइनस वन है ना, माइनस वन रख रहे हैं तो उधर जाएगा तो प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा शायद, एक्स एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है आंसर, जरा देख लेते हैं फिर से। इसमें जो आंसर दिया है वाई प्लस एक्स प्लस वन दिया है। ठीक है, तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है ना यार, यहाँ पे माइनस वन है, सवाल में माइनस वन है तो उधर गया तो प्लस वन हो गया, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। तो जब एक्स का वैल्यू जीरो आएगा तो यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट कर लीजिएगा, तो वन बटा जीरो माइनस वन, यानी कि वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस वन। तो एक और पॉइंट पता चल जाएगा एक्स वन का, एक्स वन कितना, जीरो, और वाई वन कितना, माइनस वन। ठीक है, तो अब की बार फिर से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज कीजिएगा, y का y छोड़ देना है, y1 के जगह पे आप माइनस वन रख दीजिएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m के जगह पे वही माइनस वन ही रखना है, और x के जगह पे x और x1 के जगह पे जीरो, और फिर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो एक समीकरण और मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, हालांकि 11 नंबर में तो हम लोगों का गड़बड़ हो जाएगा कि यहाँ पे माइनस आया हुआ रहता है और स्क्वायर को उधर तोड़ेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो रूट में माइनस का वैल्यू नहीं होता है।
इसलिए हम लोग करते क्या है, हम लोग उसको लिख देंगे कि इक्वेशन आर नॉट एग्जिस्ट, इसका इक्वेशन नहीं निकाला जा सकता है। तो हमें कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन थे जो 10, 11, 12 तीनों बिल्कुल एक जैसा बनेगा, ठीक है। तो हम 10 नंबर सवाल को बता दिए हैं, हालांकि 11 नंबर में तो अधूरा ही बनेगा क्योंकि वहां पे निकलेगा नहीं, रूट के अंदर में माइनस आ जाएगा, इसलिए वहां पे लिख दीजिएगा इट इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग 10, 11, 12 आप तीनों एक ही पे ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा सवाल आप जरूर पूछ लीजिएगा, हम उसको बनाकर भेज देंगे, ठीक है। तो 10, 11, 12 को एक ही जैसे था इसको हम लोग छोड़ते हैं फिलहाल। अब हम लोग पहुंचते हैं नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट आर, देखिए पहला जो बोल रहा है ना कि एक कर्व है और कर्व का इक्वेशन दिया है y बराबर, सॉरी इक्वेशन कैसा दिया है, x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 16 बराबर में 1। और ये जो पहला सवाल बोल रहा है ना, पहला सवाल इसमें बोल रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल है का मतलब क्या, x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ साथियों कि एक जो टेंजेंट है इस तरीके का है, देख पा रहे होंगे, और यहां पे एक एक्सिस है, अच्छा इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और ये आपका टेंजेंट हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि इस कर्व का जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोग जानते ना है कि एक्स एक्सिस के जब पैरेलल होता है तो फार्मूला क्या बनता है, dy बाय dx इज इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिएगा चीजों पर, चूंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम लोग यहां पे लिखते हैं dy बाय dx इक्वल टू जीरो। अगर मान लिया कि यही टेंजेंट y एक्सिस के ओर पैरेलल होता तो हम लोगों को पहला क्या बोल रहा है, चूंकि टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट जो है वो पैरेलल है किससे, एक्स एक्सिस के साथ, जब टेंजेंट पैरेलल है तो हम इसलिए जो फार्मूला लगाते हैं वो कितना, तो dy बाय dx इज इक्वल टू जीरो। समझ पा रहे होंगे ना आप, अगर यही चीजें y एक्सिस के साथ होता तब आप फार्मूला लगाते माइनस वन बाय dy बाय dx इक्वल टू जीरो, समझ रहे हैं? ये कब लगाते हैं, जब y एक्सिस के पैरेलल रहता। तो आप देख पा रहे होंगे हम लोगों का दूसरा नंबर सवाल में y एक्सिस के पैरेलल है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कीजिएगा। मेरा मतलब कि हम पहले 13 का फर्स्ट नंबर बता दे रहे हैं, अब 13 का दूसरा नंबर आपको खुद से बनाना होगा, ठीक है। हालांकि अंतर कितना है तो इसका फिगर ऐसे बनेगा, फिगर कैसे बनेगा, एक कर्व बनाइएगा, एक कर्व बनाइएगा और इसका जो टेंजेंट होना चाहिए ना वो y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, तो y एक्सिस के इसका देखिए ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो यहां पे ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो फिगर हम लोग ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो फिगर चेंज हो जाएगा, और दूसरा कि फार्मूला इसमें कौन सा लगाएंगे, तो माइनस वन बाय डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन हम जो पहला में यूज करने वाले हैं, चूंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर जीरो, ये फार्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। अब रहा बात की सर डी वाई बाय डी एक्स कैसे निकलेगा,
तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग इसी का यूज क्यों करने वाले हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल बोला है पहला सवाल में, और दूसरे सवाल में आप इसका प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो हालांकि दोनों ही सवालों में dy by dx का तो इस्तेमाल करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन तो करना है, तो आप क्या कीजिएगा, चूंकि x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1 है ना। देखिए यहां पे है ना, अब जब हम लोगों को समीकरण दिया हुआ होता था तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिखिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो यहां क्या बनेगा भाई, तो 1/9 तो पहले बाहर हो जाएगा और dx स्क्वायर बटा dx बनेगा ना, प्लस यहां 1/16 बाहर आ जाएगा और dy स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में और फिर dy बटा dx। क्यों, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इज इक्वल टू d1 बटा dx, ठीक है। अब चूंकि आप तो फिगर बना लिए होंगे ना कि कैसे फिगर बनेगा, तो हम लोग फिगर को मिटाते हैं ताकि जगह बने। तो हमें कुछ इस तरीके का मिल रहा है, क्या मिल रहा है जरा देखते हैं फिर से। इधर मिला 1/9, तो यहां लिख दिया 1/9 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1/16, तो यहां पे लिख दिया 1/16 इंटू वाई स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो इसका होगा 2y इंटू इंटू डीवाई बटा dx इज इक्वल टू कितना, 1 का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इधर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2x/9 बन रहा है ना, प्लस यहां बन रहा है 2y/16 इंटू डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या जानते हैं भाई, हम लोग यही जानते हैं ना कि अगर कोई इक्वेशन दिया रहेगा उसका अगर डिफरेंशिएशन करना होगा तो इसका मतलब dy by dx का मान निकालना होगा। तो dy by dx का मान निकालने के लिए पहले ये जो है उसको राइट साइड भेजिए, तो यहां पे 2y/16 गुने dy by dx इज इक्वल टू कितना, ये जब उधर में चला जाएगा तो -2x/9 हो जाएगा क्योंकि यहां 0 है, तो ये प्लस में है उधर गया तो माइनस। इसलिए दोस्तों dy by dx का वैल्यू कितना आ गया, तो ये नीचे वाला 16 चल जाएगा ऊपर, यानी कि -2x/16/2y कहां है ऊपर, तो वो चला जाएगा नीचे, यानी कि 9 × 2y। तो टोटल मिलाकर कितना आ गया, तो -32x, अच्छा 32x नहीं, ऐसा करो आप 2 से 2 कट कर लो तो -16x/9y, ये किसका फार्मूला हो गया, ये हम लोगों का dy/dx आ गया। तो इतना मशक्कत करने के बाद हम लोगों का क्या आ गया, dy/dx। अब हम आपको आसान काम कर दिए हैं, क्यों, कि जब आप y एक्सिस के पैरेलल कीजिएगा तो उसमें भी तो dy/dx का इस्तेमाल है, तो वहां पे आप डायरेक्ट इतना पुट कर दीजिएगा क्योंकि हम आपको इतना चीजें निकाल कर दे चुके हैं। चलिए तो फिर लिखिएगा नाउ नाउ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि dy/dx का जो वैल्यू है वो किसके बराबर, 0। क्यों, क्योंकि हम लोगों का जो टेंजेंट था वो x एक्सिस के पैरेलल था,
तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होता है, जब डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू जीरो होता है। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू कितना आया भाई, तो माइनस 16x/9y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये नीचे वाला जाएगा इधर, तो माइनस 16x/0 × 9y तो जीरो। इसलिए x का वैल्यू कितना, तो जीरो में माइनस 16 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना, जीरो। अब जब x बराबर जीरो हो गया तो फिर से आपको चलना होगा, चूंकि एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 का मान कितना है, 1। ये कहां से भाई, तो ये हमें सवाल में दिया हुआ है, गिवन। अब एक्स का वैल्यू कितना आया है, यहां पे जीरो आया है, तो एक्स के जगह पे जीरो रखिए, तो जीरो का स्क्वायर बटा 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1। और जीरो का स्क्वायर का मतलब जीरो, और जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो भी जीरो, प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर में 1। यहां से देख पा रहे होंगे कि वाई स्क्वायर बटा 16 का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो वाई स्क्वायर बराबर 16 को एक से गुना कीजिए 16, इसलिए वाई बराबर उधर जब रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस में हो जाता है, जानते हैं ना ये चीज, तो इसलिए वाई का वैल्यू कितना आया, तो प्लस माइनस 4। तो जब x का वैल्यू जीरो रखने पर y का वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस माइनस 4। तो दोस्तों इसीलिए जो पहला का आंसर हुआ हमें, x का वैल्यू सो पॉइंट इज, पॉइंट कितना आया, तो x का वैल्यू जीरो रखने पे y का वैल्यू कॉमा करके कोऑर्डिनेट निर्देशांक लिख रहे हैं, प्लस 4 और माइनस 4। तो इस तरीके के ये हो गया हम लोगों का पहला का आंसर। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा दूसरा सवाल के लिए, आप कहां से शुरू कीजिएगा काम, यहां से दूसरा में लिखिएगा, चूंकि टेंजेंट जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के साथ, तो जब वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होता है दोस्तों, तो आप यहां से क्या कीजिएगा फार्मूला, माइनस 1/dy/dx बराबर जीरो। तो यहां पे आप माइनस 1 को तो ऊपर ही रखिएगा और नीचे dy/dx, तो dy/dx का मान यहां रख के, और सबसे पहले जो कुछ का भी मान निकलेगा, हालांकि इसमें सबसे पहले x का ना निकला है तो उसमें सबसे पहले y का मान निकल जाएगा जीरो। जब y का वैल्यू जीरो मिल जाएगा तो इस समीकरण से फिर आप चलिएगा y के जगह पे जीरो रखिएगा, तो x का वैल्यू करते करते आपको प्लस माइनस 3 आएगा। यानी कि अभी हम लोगों का x का सबसे पहले मान आया था, जब दूसरा वाला सवाल से चलेंगे ये फार्मूला पे, तो आपका y का मान पहले जीरो आएगा, और जब y का वैल्यू जीरो यहां पे रखिएगा तो इससे चलते चलते x का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस 3। तो जब भी निर्देशांक में लिखा जाता है तो पॉइंट को कैसे लिखते हैं, पहले एक्स निर्देशांक, तो एक्स का वैल्यू यहां पे प्लस माइनस 3 आएगा और वाई का वैल्यू जीरो आएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का दूसरा का आंसर। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, ये क्या बोल रहा था कि एक कर्व है और उस कर्व का हमें इक्वेशन दिया हुआ है, और उस इक्वेशन से आपको पॉइंट पता करना था। कब कब पॉइंट पता करना था, जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तब, और जब वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तब कितना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन करने आना चाहिए पहली बात, क्योंकि इसमें डिफ्रेंसिएशन का ही यूज है। डिफ्रेंसिएशन अगर करने आ गया तो हम लोग कोई भी पॉइंट रहे, कोई भी इक्वेशन रहे, कोई भी स्लॉप रहे, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ
द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब दोनों का इक्वेशन निकालना है, नॉर्मल का भी और टेंजेंट का भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके लिए सिचुएशन कैसा होता है। तो चौथा में, सॉरी चौदह में टोटल कितना सवाल है भाई, एक दो तीन चार पांच सवाल है। देख लो, चौदह में टोटल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब सब सवाल है लेकिन चौदह में सिर्फ और सिर्फ हम बताएंगे पहला सवाल। और अगर आप चौदह के पहला सवाल को सीख गए तो उसी तरीके से आपको काम करना होगा बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन में, क्योंकि सभी जो है ना वो सभी चीजें एक जैसी ही है। लेकिन इसमें आपको कुछ आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन अच्छे से। चलिए देखते हैं हम लोग चौदह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। देख पा रहे होंगे चौदह का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या क्या दिया है। चौदह का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें वाई का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, एक्स के पावर फोर माइनस सिक्स एक्स के पावर थ्री, ठीक है, प्लस तेरह एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस फाइव, ठीक है। और बाकी बात समझना है, यहां पे एड दिया है इधर करके, एड जीरो और फाइव, ठीक है। हर सवाल में आपको y का वैल्यू दे रखा है, जो y का वैल्यू दे रखा है उससे आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। उससे क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। जरा समझिए बातों को कि y का जो वैल्यू हमें दिया है एट जीरो और पांच पे, इतना सवाल देकर क्या बोल रहे हैं कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, ठीक है। दो सवाल यहां पे हर, यानी कि चौदह का पहला का भी दो आंसर होगा, एक टेंजेंट के लिए एक नॉर्मल के लिए, और चौदह का दूसरा भी बनाएंगे उसके लिए भी दो आंसर होगा, और चौदह का तीसरा में भी आपको दो आंसर होगा, एक टेंजेंट के लिए एक नॉर्मल के लिए। तो बातों को समझिए, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का बात करें तो निकालना है और इसका हमें फार्मूला भी पता है, कौन सा फार्मूला भाई, तो y माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। और इसके लिए फार्मूला क्या पता है, तो इसके लिए फार्मूला पता है आपको y माइनस वाई वन बराबर पी इंटू एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि हम लोग यहां पे p का मतलब हुआ स्लोप ऑफ नॉर्मल और यहां m का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान दीजिए बातों को, हमें इसका वैल्यू तो निकालना है और फार्मूला ये होता है। तो ये हो गया हम लोगों को जो जीरो पांच ब्रैकेट में करके दिया है, ये हो गया एक्स वन का और ये हो गया वाई वन का, यानी कि दोनों जो सवाल हमें पूछा जा रहा है उसमें एक्स वन और वाई वन का तो मान पक्का दिया हुआ है। दोनों ही सवालों में हम लोग एक्स वन के जगह पे जीरो पुट करेंगे और वाई वन के जगह पे पांच पुट करेंगे। उसके बाद अब एम कैसे निकलेगा और पी कैसे निकलेगा, तो एम निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, एम निकालने के लिए इसको जो भी आपको सवाल यहां पे दिया गया है वाई का वैल्यू, इसको आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो चूंकि वाई का वैल्यू ये है तो इससे आप डीवाई बाई डीएक्स निकालिए, तो dy बाई dx कितना होगा, तो x के पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर 26x माइनस 10, ठीक है। अब इतना चीज करने के बाद हमें सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिया गया वैल्यू है उसमें सबसे पहले यहां पे किस कौन सा मान दिया है, जीरो, तो हम लोग x के जगह पे जीरो रखेंगे। अगर यहां पे सबसे पहले वैल्यू दिया रहता दो, दो पांच चाहे दो आठ चाहे कुछ भी दिया रहता,
तो यहाँ पे जो x निर्देशांक है उसका मान कितना है, जीरो। तो यहां पे लिखिएगा एट x बराबर जीरो, कितना पे, एट x बराबर जीरो। तो एट x बराबर जीरो पे dy बाय डी एक्स का मान निकालिए, किसका किसका मान। हम क्या बोल रहे हैं कि जो सबसे पहले ब्रैकेट होगा उसी का यहां पे यूज करना है। हम x बराबर जीरो कहां से ला रहे हैं, क्योंकि यहां पे जीरो है। तो जीरो पे आप जहां जहां डिफ्रेंसिएशन करके आया है वहां पे x का वैल्यू वन रखिए, सॉरी जीरो रखिए। तो चार गुना जीरो का क्यूब माइनस 18 गुना जीरो का स्क्वायर प्लस 26 गुना x के जगह पे जीरो माइनस में 10, तो कुल मिलाकर कितना हो रहा है। तो जीरो से अगर गुना करेंगे तो जीरो, जीरो से गुना करेंगे जीरो, जीरो से गुना करेंगे जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस 10। तो आप समझें कि जो हम लोगों को x का मान रखने से dy by dx का मान आएगा, जो dy by dx का मान आएगा, तो इसीलिए आप लिख दीजिएगा m का वैल्यू हो गया माइनस 10, m का वैल्यू माइनस 10 एंड p का वैल्यू, तो p होता है माइनस 1 बटा dy by dx ना, तो माइनस 1 सब में लगाना है लेकिन बटा में जो ये आएगा उसका वैल्यू रख देना है। तो ये माइनस से माइनस कट गया, p का वैल्यू हो गया 1/10। समझ पा रहे हैं, यानी कि करना क्या है, सबसे पहले आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन करा दिया, कराने के बाद जो सबसे पहले ब्रैकेट है ब्रैकेट पे रहेगा, जीरो रहेगा तो जीरो, वन रहेगा तो वन, टू रहेगा तो टू, एक्स का वैल्यू उतना रख के आप डीवाई बाई डी एक्स का मान निकाल लीजिए, जो आएगा वो सीधा सीधी एम का मान हो जाएगा। और p का मान निकालने के लिए माइनस वन लिखना है और बट्टा जो यहां आता है, अगर दो आता तो सिर्फ दो हो जाता, अगर यहां माइनस 10 आया तो माइनस 10 हो गया। तो माइनस माइनस हम लोग यहां काट के और 1/10 लिख दिए। अगर मान लिया कि यहां पे दो आता सिर्फ, इसका वैल्यू दो आता तो माइनस 1/2 छोड़ देते p का मान। समझ पा रहे होंगे, तो इस तरीके से हमें m का वैल्यू पता चल गया, p का वैल्यू पता चल गया, और वो सवाल में जो दिया है वो x1 और y1 का ही वैल्यू दिया है, ठीक है। तो अब आप करेंगे क्या, नाउ अब नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका फार्मूला के लिए फार्मूला बनाएंगे y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। तो y के जगह पे y छोड़ देंगे माइनस, y1 के जगह पे देखिए हम लोगों को जो ब्रैकेट में दिया रहता है कितना 5, तो y-5। m का वैल्यू इसके लिए कितना आया माइनस 10, तो m के जगह पे माइनस 10। एक्स माइनस एक्स वन के जगह पे, तो एक्स वन के जगह पे जीरो। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्या बनता है, ये देखिए हर पे ये फार्मूला होता है, हम आपको बताए भी हैं। तो यहां पे हो गया वाई माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10 को x से हो गया माइनस 10x, और माइनस 10 को जीरो से करेंगे तो इधर जीरो कोई वैल्यू नहीं। तो यहां पे जो हो गया हम लोगों का y और ये माइनस 10x इधर आएगा, तो प्लस 10x और ये ऑलरेडी कितना है माइनस में 5 = 0। ये हम लोगों को आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो जरा लिख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो हम लोगों का आंसर आया है वो क्या सही है या गलत है। तो टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है। तो दोस्त मेरे कैसे भी आंसर रह सकता है, अब देखो आंसर कैसे दिया है, इसमें टेन एक्स प्लस वाई बराबर 5 दिया है, टेन एक्स प्लस वाई बराबर में 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हम लोगों को आंसर सही है। क्यों, क्योंकि y प्लस 10x को एक तरफ छोड़ देंगे तो ये माइनस 5 उधर जाएगा, तो किस में बनेगा, सिर्फ 5 में बनेगा, तो ऐसे ही ना आंसर दिया है। तो इधर उधर देख लीजिएगा प्लस माइनस करने के बाद क्या आता है। तो अभी तक के हम लोगों को इसमें दो सवाल करना था, एक सवाल आ गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन इक्वेशन ऑफ यहां पे नॉर्मल निकालेंगे,
क्योंकि हर सवाल में आपको दो आंसर मिलाना है। तो अब लिखिएगा अगेन, पुनः हम लोग चलेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बजाय इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला नीचे वाला, y माइनस वाई वन बराबर पी इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y के जगह पे y रख दिया, माइनस वाई वन के जगह वही वाला पांच, पी के जगह, तो पी के जगह हम लोगों को इस सवाल में कितना आया है, तो पी का तो निकालने के लिए सिखाया ना। अगर मान लिया m का वैल्यू, तो वही का वही जो आएगा वो हो जाता है m का मान। m का मान अगर माइनस दो आ गया तो हम लोग p का मान क्या करेंगे, चाहे दस आ गया सिर्फ, तो माइनस वन लिख देंगे और बट्टा में उसको लिख देंगे, तो हो जाएगा p का मान। यानी कि हम लोग नॉर्मल में क्या सीखे कि माइनस वन बट्टा में होता है। चलिए, तो p का वैल्यू यहां कितना आया है, एक बट्टा में दस। तो यहां पे p के जगह पे आपको यूज करना है एक बट्टा दस, ठीक है, और इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन कितना है भाई, जीरो। तो y माइनस पांच बराबर x में से जीरो गया, x बचेगा और x को वन से गुना करेंगे, x बटा में दस। तो टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा आंसर, 10 को बारी बारी से गुना करेंगे ना, तो 10 को y से गुना कीजिए 10y, ठीक है, 10 को फिर पांच से माइनस पचास बराबर में x। देख लीजिए आंसर कैसा दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों का जो आंसर है वो किस रूप में है। तो जी हाँ, इस तरह से है, x माइनस टेन वाई प्लस पचास, एक्स माइनस टेन वाई प्लस पचास बराबर जीरो, इस तरीके का है। तो क्या हम लोगों को है, तो हाँ बिल्कुल है। यहां पे क्या कर दिया ना, इधर वाले साइड को सबको उधर ले गया है, जैसे टेन वाई है तो उधर ले जाएंगे, तो इधर मैंने जीरो कर लेना है, इधर जीरो बना लेना है, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो एक्स माइनस टेन वाई, ये माइनस में पचास है तो प्लस में पचास। तो बात वही है, हम लोगों का जो आंसर आया है आप देख लीजिएगा प्लस माइनस में कि किधर किधर दिया हुआ है, उस तरह से चेंज भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 14 में जो टोटल पांच सवाल है, 14 में कितना सवाल है, पांच सवाल है। तो पांचों सवाल में आपको क्या करना है, उसका दो गो आंसर लाना है। जैसे दिखाते हैं, जैसे हम लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब तो बन जाएगा, लेकिन पांचवा पे आते हैं, 14 का पांचवा। इसमें भाई x का वैल्यू अलग दे दिया है, कितना, cos t, और इसमें y का वैल्यू दे दिया है sin t, ठीक है, और लिखा है t बराबर पाई बाई फोर, ठीक है, ये सवाल बोला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है वो समझिए। हम लोगों को यहां से x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया है, तो आप इससे आप dy by dx निकालिए, डिफ्रेंसिएशन। अब ऐसा तो हम लोग सीखे हैं कि जब x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग दिया हुआ होता है तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते कैसे हैं। तो इसको देख लेते हैं कि t में फंक्शन है, तो dy बटा dt और dx बटा dt करके इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कुछ भी आ गया तो एट टी के जगह पे फाइव बाई फोर रखना है। फाइव बाई फोर रखने पर जो डीवाई बाई डी एक्स का मान आएगा वो हो जाएगा एम का मान, और इसी से आप पी निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब जब एम और पी निकल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस वाई वन, तो y को तो ऐसे ही छोड़ देना रहता है, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या, तो y वन और x वन तो है नहीं, अब इसमें क्या करेंगे भाई, तो इसमें जरा देखते हैं कि हम लोगों को आंसर किस रूप में है, 14 का पांचवा ना। तो यहां पे जो हम लोगों का है वो x, यहां पे लिखा है एट पाई टी बराबर फाइव बाई फोर। सुनिए, इसमें क्या करना है कि टी बराबर पाई बाई फोर बोला, तो आप डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो कुछ भी आएगा, ठीक है, उससे तो आप टी रखने के बाद, पाई बाई फोर रखने के बाद, उससे आप एम निकाल लीजिएगा, पी निकल जाएगा।
लेकिन टी बराबर पाई बाई फोर बोला, तो टी बराबर पाई बाई फोर बोला तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कोस पाई बाई फोर, कोस 45 का मान 1/√2, और वैसे ही साइन 45, वाई का मान कितना साइन 45। तो यहां पे यानी कि यहां पे जो एक्स वन वाई वन का यूज करना है वो 1/√2 और 1/√2, यानी कि ये हो गया एक्स वन और ये हो गया वाई वन। समझ में आया, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू इस निर्देशांक से, एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो टी के जगह पे पाई बाई फोर रख देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन जो करके आएगा उसके जगह पे भी पाई बाई फोर रखना है, जो आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद वहां पे टी के जगह पे पाई बाई फोर रखेंगे, और जो उससे आएगा एम का वैल्यू निकलेगा, और एम का वैल्यू निकलेगा उसका -1/ में कर देंगे तो वो हो जाएगा पी का मान। तो एम और पी का तो वैल्यू पता चल गया, लेकिन अब वाई वन और एक्स वन कैसे पता चल गया, हालांकि एक्स और वाई तो वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि समीकरण लाना है ना, तो एक्स और वाई वैसे ही छोड़ देते हैं। अब एक्स वन वाई वन कहां से, तो एक्स का वैल्यू हो गया, एक्स वन का वैल्यू 1/√2 और वाई वन का वैल्यू 1/√2। तो पांचवा क्वेश्चन में ये कुछ नहीं दिया हुआ था, अपना से दिमाग लगाना हुआ रहता है यहाँ पे कि ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया है तो यहां से निकालेंगे, टी के जगह पे पाई बाई फोर, यहाँ पे पाई बाई फोर, तो दोनों का वैल्यू वही आएगा, तो एक्स वन के जगह पे भी 1/√2 और यहाँ भी 1/√2। तो आप ये तो टेंजेंट के लिए हो गया, अब अगर आप नॉर्मल का इक्वेशन निकालिएगा तो y-y1 p इंटू x-x1, ये फार्मूला ना। तो इस फार्मूले को कैसे यूज करेंगे हम लोग, तो y-y1 का मतलब y-y1 का वैल्यू कितना 1/√2 बराबर p का वैल्यू यहां से जो आएगा o, और x-x1, और x-x1 का मतलब x को तो x वैसे ही छोड़ देना है क्योंकि समीकरण लाना है, और x1 का वैल्यू 1/√2। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज हम जितना क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं लगभग उसी तरीके से बाकी सभी क्वेश्चंस हैं, तो हम आज 14 तक के पूरा क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। अगले दिन से हम लोग 15 नंबर से डिस्कस करेंगे, और लगभग 2 दिन का वक्त लगेगा इसको पूरा खत्म होने में, और फिर एक एक्सरसाइज मात्र बच जाएगा वो है 6.4, यानी कि कुल मिलाकर 5 से 6 दिन में हम लोगों का पूरा ये 6 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। लगभग हम लोग बोले थे 12 से लेकर 15 दिन तक, और बिल्कुल हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं, एकदम हो जाएगा उतने दिन में खत्म, तो बेहिचक, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, जो चीजें यहां से देंगे आप उसको बनाते रहना है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।